तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल गेमर। गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम लोग फिर से काफी सारे मिथ को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले। तो आप लोगों को इस वीडियो में यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई इस गेम के नए अपडेट में क्या क्या चीजें आ रही है और उन सारी चीजों को आप लोग भाई कैसे ले सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस गेम में मिथ को कन्फर्म या बस्ट करके देख लेता हूँ। तो पहले वाला जो हमारा मिथ है, इस मिथ में लिखा है कि हम भाई अपाची बाइक का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। चलो फिर हम लोग भाई इस वाले मिथ को कन्फर्म या फिर बस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है क्या, सबसे पहले हम लोगों को अपाची बाइक को स्पाउन करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं अपाची बाइक को स्पाउन करवा लेता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को 40-50 डायल करना पड़ेगा, हमारी अपाची बाइक आ जाती है जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। चलो अब हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ चेंज करने पर। बट गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मगर हम लोग भाई किसी भी कार या बाइक का कलर चेंज करते हैं तो भाई हम लोगों को यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, मगर अपाची बाइक में कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब हम लोग भाई अपनी बाइक का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ये मिथ है ये होता है कन्फर्म, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। चलो हम लोग भाई अगले वाले मिथ के बारे में देख लेते हैं कि हमारा अगला वाला मिथ कौन सा है। इस वाले मिथ में लिखा है कि अगर हम घर के अंदर से इन्फिनिटी फॉल करेंगे तो हम घर के छत पे आ जाएंगे। मतलब कि अगर हम लोग भाई घर के अंदर से स्काई फॉल वाला चीट कोड एक्टिवेट करेंगे तो हम लोग भाई छत के ऊपर गिरेंगे। चलो हम लोग भाई इस वाले मिथ को कन्फर्म या फिर बस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली करता क्या हूँ कि यहाँ पर मुझे स्काई फॉल वाला चीट कोड लगा देना है। तो स्काई फॉल वाला चीट कोड लगाने के बाद हम लोग भाई इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख ही सकते हैं यार हमारा कैरेक्टर काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। मुझे लगता है कि यार ये वेस्टेड तो हो जाएगा, बट यार देखते हैं कि ये कहाँ गिर है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यार ये तो पूरा का पूरा छत पे गिर चुका है, वो भी छत से निकल करके। मगर ये जो हमारा यार कैरेक्टर ये पूरा का पूरा वेस्टेड हो गया है, बट फिर भी ये हमारा जो मिथ है ये कंफर्म होता है। मैंने इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड नहीं लगाया था तो फिर भी ये वेस्टेड ना होता था। तो चलो हम लोग अगले वाले चीट के बारे में देख लेते हैं, हमारा अगला वाला मिथ कौन सा है। गाइस इस वाले मिथ में बताया गया है कि अगर हम इस जुरासिक पार्क के गेट के सामने किसी को मारे तो पुलिस नहीं आएगी। चलो हम लोग इस वाले मिथ को ट्राई कर लेते हैं। मैं हमारा ये मिथ कन्फर्म होता है बस्ट। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क के गेट के सामने। तो मैं सामने जाऊँ या फिर अंदर, चलो हम लोग भाई अंदर थोड़ा जा चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग भाई किसी भी NPC को किल करते हैं। तो यहाँ पर मैं NPC को सबसे पहले किल करूँगा, क्योंकि अगर हम लोग भाई NPC को किल करेंगे तभी तो यार हमारी पुलिस आएगी। तो यहाँ पर मैं एक NPC को सबसे पहले किल कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर एक NPC दिख गई है तो मैं इस लड़की को किल कर देता हूं। तो मैंने एक लड़की को किल कर दिया, मेरे पर एक स्टार लग चुका है। बट यहां पर मैं एक बंदे को और किल कर देता हूं तो हमारे ऊपर 2 स्टार लग जाएंगे। तो गाइस मैंने यहां पर दो भी बंदों को किल कर दिया है, 2 स्टार हमारे ऊपर लग चुके हैं। चलो यहां पर मैं एक और बंदे को किल कर देता हूं ताकि हमारे ऊपर 3 के 3 स्टार लग जाए, फिर पुलिस तो आएगी। तो यहां पर मैंने एक और बंदे को मैं किल कर देता हूं। तो यहां पर मैंने एक और बंदे को किल कर दिया है तो यहां पर मुझे मतलब मेरे ऊपर 3 के 3 स्टार लग चुके हैं। अब हो सकता है कि हमारी पुलिस आ जाए। यार आती है तो आ भी सकती है और ना भी आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया कि हमारे ऊपर 3-3 स्टार लग चुके हैं, बट यहाँ पर कोई भी यार पुलिस नहीं आई है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर एक भी पुलिस नहीं आई है। यहाँ अब तक तो यार पुलिस आ जानी चाहिए थी और आ भी जाती है। तो इसका मतलब हमारा ये मिथ कन्फर्म होता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को एक भी पुलिस नहीं दिखी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा जो अगला वाला मिथ है इस मिथ में बताया गया है कि अगर आप मून ग्रेविटी ऑन करके RPG से किसी कार को मारोगे तो वो सीधा हेडशॉट लगेगी। मतलब कि इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग किसी भी भाई मतलब अगर हम लोग भाई इसमें मून ग्रेविटी का चीट कोड एक्टिवेट कर लेंगे और किसी भी कार को मारेंगे तो सीधा वो हेडशॉट लगेगी, मतलब कि एकदम उसी कार पे लगेगी। चलो हम लोग भाई इस वाले मिथ को कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चीट कोड लगा लिया है तो यहाँ पर मुझे कार भी दिख गई है। चलो हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं मार के। तो यहाँ पर जैसे ही मारता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यार एकदम मतलब कार एकदम फूट की मतलब एकदम अलग ही लेवल की भाई। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाली कार का ट्राई कर लेता हूँ। मैं दूसरी वाली कार को मारता हूँ तो ये भी यार मतलब इतनी दूर से मैंने मारा यार फिर भी ये कार पूरी ब्लास्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं तीसरी कार के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ तो यहाँ मैं थोड़ा निशाना लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा निशाना मतलब थोड़ा इधर उधर निशाना हो गया तो इसीलिए ये कार नहीं ब्लास्ट हुई। तो मैं फिर से यहाँ पर निशाना लगा के करता हूँ तो यार पूरी की पूरी ये कार ब्लास्ट हो गई है। चलो इस चीट कोड को मैं डीएक्टिवेट करके फिर से मतलब कार के ऊपर ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि ये जो हमारा मिथ कन्फर्म होता है या फिर बस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। अब हम लोग भाई फिर से RPG से मतलब कि कार को ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग भाई डीएक्टिवेट करके RPG से ब्लास्ट करते हैं तो जो हमारा ये जो हमारा हेडशॉट है हेडशॉट नहीं होता, ये नीचे की ओर हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा यार मिथ कन्फर्म है, क्योंकि हम लोग भाई अगर उस चीट कोड को लगा कर करते हैं तो ज़्यादा ही मजा आता है। तो ये हमारा मिथ पूरा का पूरा कन्फर्म है। चलो अब हम लोग भाई दूसरे वाले मिथ के बारे में देख लेते हैं कि हमारा अगला वाला मिथ क्या कहता है और इस मिथ में हम लोगों को क्या बताया गया है।
इस वाले इवेंट में बताया गया है कि अगर हम लोग भाई बनाली टेंटी बॉय स्पॉन करेंगे और उसे मून गरटी मतलब लगा के उसको उड़ाएंगे तो वो भाई नीचे नहीं आएगी 24 आवर्स के लिए। मतलब कि अगर हम लोग भाई इसमें हम लोग मंगा लेते हैं भाई बनाली टेंटी बाइक को, तो यहाँ पर मैंने बनाली टेंटी बाइक को मंगवा लिया है और इसको अगर हम लोग भाई एक बार उड़ा देते हैं तो ये नीचे नहीं आएगी कभी। मतलब कभी का मतलब ये है कि 24 आवर्स तक नहीं आएगी। चलो हम लोग भाई इस वाले में इसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मून गरटी का चीट को लगा दिया है और मैं अपनी बनाली टेंटी बाइक को यहाँ पर स्पॉन करवा लिया है। चलो मैं इसको भाई उड़ा कर दिखा देता हूँ। तो उड़ाने के लिए यहाँ पर मुझे एक ट्रिक पता है, तो इस तरीके से हम लोगों को जार के पास ले आना है और जैसे हम लोग भाई ले आएंगे तो हमारी ये बनाली टेंटी बाइक उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं ये उड़ पा रही है। तो ये अभी तो ये मतलब इतनी ऊपर आ गई है। तो गाइस अभी हम लोग भाई देखते हैं कि इसको नीचे हम लोग भाई ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई है। चलो हम लोग इसको नीचे ला कर देखते हैं कि हमारी ये जो बनाली टेंटी बाइक है नीचे आएगी फिर या नहीं आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है बनाली टेंटी बाइक, मगर मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मैं इसको नीचे लाऊँ। मैं देखो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, मगर ये जो हमारी बनाली टेंटी बाइक ये नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसका मतलब जो हमारा मून गरटी का चीट कोड है इसीलिए वो नीचे नहीं आ रही, नीचे आ भी नहीं सकती है। मतलब 24 आवर्स का ये कभी भी नहीं आएगी यार। तो ठीक है ना, इसका मतलब ये हमारा जो मिथ है ये भी कन्फर्म हो गया है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ बट हमारी जो बनाली टेंटी बाइक है वो नहीं आ रही नीचे। चलो हम लोग भाई दूसरे वाले मिथ मतलब अगले वाले मिथ के बारे में देख लेते हैं, हमारा अगला मिथ कौन सा है और इस मिथ में हम लोगों को क्या बताया गया है। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। इस मिथ में हम लोगों को बताया गया है कि अगर हम लोग भाई 012 वाले ट्रैक के ट्रेलर के RPG से मारेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। चलो हम लोग इस वाले मिथ को ट्राई कर लेते। तो मैंने अपन 012 डायल करके भाई इसमें ट्रक ट्रेलर को मंगवा लिया है। चलो हम लोग भाई इसमें RPG से किल करते हैं कि हमारा जो मतलब ट्रक है ब्लास्ट होगा या फिर नहीं। देखो एक बार तो नहीं हुआ, तो मैं दूसरी बार जैसे ट्राई करता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा ये तो यार ब्लास्ट हो गया, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया। तो इसका मतलब हमारा ये मिथ यार ये ब्लास्टेड है, मतलब ये कन्फर्म नहीं है, जो कि आप लोगों ने यार देख लिया कि मैंने इसको ट्राई किया बट नहीं हुआ। चलो हम लोग भी इसको दोबारा भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं दोबारा भी इसको ट्राई कर लेता हूँ, इस पर RPG से किल करता हूँ मतलब मारता हूँ तब भी ये ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा जो मिथ है ये पूरा का पूरा ब्लास्टेड हो चुका है। चलो हम लोग भाई अब अगले वाले मिथ के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग अगले वाले मिथ के बारे में देख लेते हैं कि हमारा वाला अगला वाला मिथ कौन सा है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आप लोगों को अगले वाले मिथ के बारे में बता देता हूँ। तो इस वाले मिथ में लिखा है कि अगर आप भाई स्टेशन पे जाकर देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा कल्याण जंक्शन, उसके बाद अगर आप लोग भाई इसमें एयरपोर्ट पे जाकर देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा नागपुर। चलो हम लोग इस वाले मिथ को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कल्याण जंक्शन कहाँ लिखा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ के सामने आप लोगों को कल्याण जंक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब हम लोगों को करना है कि हम लोगों को एयरपोर्ट पर जाना है, उसमें देखना कि भाई हम लोगों को नागपुर कहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ फाइनली मैं यहाँ पर मैं चले जाता हूँ भाई एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग भाई देख लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर नागपुर कहाँ देखने को मिल जाता है, मतलब लिखा कहाँ देखने को मिल जाता है। तो सामने तो कुछ लिखा है मतलब बैनर टाइप का, तो मैं इसको देख लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहीं तो नहीं लिखा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सच में यार नागपुर मतलब नागपुर एयरपोर्ट लिखा है। तो सच में यार ये मतलब पूरा का पूरा जो दोनों चीज़ें हैं ये कि पूरी पूरी सही हैं। इसका मतलब ये हमारा मिथ कन्फर्म होता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को भी कोई भी मिथ आते हैं तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में मिथ को कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं वीडियो को लाइक कर दो। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक इस गेम के न्यू अपडेट के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, बट अगर आप लोग भाई इस गेम के न्यू अपडेट को लेना चाहते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों को बता दूं जब इस गेम का न्यू अपडेट आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।